अब करनाल के सामान्य अस्पताल में ई उपचार की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी। इसमें ना तो मरीजों को दिक्कत होगी और ना ही डॉक्टरों को। मिली जानकारी के अनुसार सामान्य अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर पीयूष शर्मा ने बताया कि ई उपचार की सुविधा अगले महीने तक शुरू हो जाएगी। इसमें मरीजों को उनके आधार और उनके मोबाइल नंबर के आधार पर एक यूनिक आईडी नंबर प्रदान किया जाएगा, जिसे क्लिक करते ही मरीज की सभी जांच, उपचार और टेस्ट संबंधी रिपोर्ट डॉक्टर के सामने आ जाएंगी। इसके लिए मरीज का सारा बायोडाटा, जो कि रजिस्ट्रेशन से लेकर उपचार तक संबंधित होगा, उसे फीड किया जाएगा। जैसे ही मरीज किसी डॉक्टर के पास उपचार के लिए जाएगा तो डॉक्टर उसका पूरा आईडी नंबर डालकर उसका पूरा ब्यौरा प्राप्त कर सकता है। शुरुआती चरण में यह सुविधा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उपलब्ध होगी। उसके बाद धीरे धीरे इस सुविधा को सामान्य अस्पताल से सभी ओपीडी कमरों में और बाद में दवाइयों के काउंटर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। उम्मीद है कि पहला ट्रायल एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा। इसके लिए सामान्य अस्पताल के प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सर, ये जो हॉस्पिटल के अंदर अभी जल्द से ई सुविधा शुरू होने वाली है, ई उपचार सुविधा, सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और ये कब तक स्टार्ट होने के चांसेस और इसका लाभ कैसे मिलेगा मरीजों को? इस ई जो सुविधा हम अस्पताल के लिए शुरू करने जा रहे हैं, इसमें सारा रिकॉर्ड, मरीज का रिकॉर्ड, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड सारा कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। जो इवन जो रजिस्ट्रेशन भी होगी, जो मरीजों को दवाई मिलेगी, वो सब कंप्यूटराइज्ड होगा। मरीज अपना आधार कार्ड लेके आएगा या फ़ोन नंबर लेके आएगा, जैसे ही उसका हम डालेंगे आइडेंटिटी, मरीज की पूरी डिटेल कंप्यूटर पे डॉक्टर के सामने आ जाएगी। डॉक्टर्स को जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी वो अपने कंप्यूटर के ऊपर लेबोरेटरी से सीधा रिपोर्ट देख सकता है, एक्सरे की रिपोर्टिंग देख सकता है। तो इससे मरीजों के उपचार में हमें बड़ी जल्दी सहायता मिलेगी। इसमें शुरू में, क्योंकि नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा शुरू में कठिनाई हो सकती है, मरीजों को भी थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर से चढ़ाने में शुरू में जब नया प्रोग्राम बन रहा है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरी जनता से यही अपील है कि थोड़ा धैर्य रखें, पर जो ये सारा काम है अल्टीमेटली मरीजों के बेनिफिट के लिए ही हो रहा है। सर, ये कब तक स्टार्ट हो सकता है? हम इसको ट्रायल बेस पे 5-7 दिन में, अभी जो चल रहा है, एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टार्ट करने के चाह रहे हैं। एक फेजेस में इसको लॉन्च करेंगे, जैसे पहले रजिस्ट्रेशन लॉन्च करेंगे, फिर ओपीडी का लॉन्च करेंगे, फिर फार्मेसी पे लॉन्च करेंगे। इस तरह स्टेजी में आ जाए ताकि लोग भी एक्लेमेटाइज हो जाएं इससे और ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सर, मतलब कहने का भी प्राय ये हो जाएगा कि मरीजों का एक यूनिक आईडी नंबर मिल जाएगा, वो क्लिक करते ही मरीज का पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगा। मरीज का जो आईडी नंबर बन जाएगा वो जो उसके आधार नंबर के बेस्ड होगा, तो आधार बेस पे या मोबाइल नंबर पे उसको डालते ही हम उसके मरीज का पूरा डाटा आ जाएगा सर। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर।